अस्त्र नंदिम समर्थ्यम। हे नंदी अस्त्रम खंड खंड गुरु। लेकिन एक अंधेरा भी है दोस्तों। बॉक्स ऑफिस पर चल रही है बॉलीवुड की सुपर हीरो वाली फिल्म जो कि इंडिया के वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस पर 9 सितंबर को रिलीज हुई थी, जो कि दोस्तों यह फिल्म कल बॉक्स ऑफिस पर 2 हफ्ता पूरी करने जा रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यह फिल्म शुरुआती 12 दिनों में टोटल कमाई कितना कर चुकी है इंडिया से वर्ल्ड वाइड से। वहीं दोस्तों इस फिल्म का आज 13वां दिन चल रहा है। आज इस फिल्म को लेकर कितनी परसेंट ऑक्युपेंसी पर खुला है बॉक्स ऑफिस, साथ ही शो एवरेज जा रहे हैं कि हाउसफुल जा रहे हैं, जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप भी इंडिया के सुपर हीरो वाले फिल्म देख चुके हैं तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आपको दोस्तों बता दे चले एडवेंचर फैंटेसी मूवी थी जिसे कि आयान मुखर्जी सर ने डायरेक्ट किया था ब्रह्मास्त्र को, जिसे कि दोस्तों पैन इंडिया लेवल पर रिलीज कर दिया गया था, यानी कि हिंदी के साथ साथ तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम 5 भाषा में एक साथ रिलीज हुई थी 9 सितंबर को, जो कि दोस्तों यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 8000 स्क्रीन्स के साथ रिलीज हुई थी, जिसका कि नॉर्थ ऑडियंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि दोस्तों साउथ ऑडियंस के बीच उतना ज्यादा क्रेज देखा नहीं जा रहा था इस फिल्म को लेकर, और दोस्तों जिस तरह से नॉर्थ ऑडियंस की तरफ से सपोर्ट मिला उस लेवल का सपोर्ट साउथ ऑडियंस की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला इस फिल्म को। आप दोस्तों इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फिल्म शुरुआती 10 दिनों में हिंदी बॉक्स ऑफिस से 196 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी थी, जबकि तेलुगु से दोस्तों यानी कि साउथ से 14 करोड़ 40 लाख रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी थी। वहीं तमिल से 4 करोड़ 17 लाख रुपए की कमाई कर चुकी थी शुरुआती 10 दिनों में, जो कि दोस्तों यह फिल्म ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन 215 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी थी शुरुआती 10 दिनों में, जबकि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 400 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी, जो कि दोस्तों इस फिल्म का बजट ही था लगभग 400 करोड़ के आसपास। वहीं दोस्तों इस फिल्म के 11वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जिस तरह से उछाल देखने को मिलना चाहिए था उस तरह से नहीं मिला, और यह फिल्म दोस्तों अपने 11वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 4 करोड़ 65 लाख रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी थी अपने 11वें दिन, जबकि दोस्तों हिंदी से ही 4 करोड़ 4 लाख रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी थी। वहीं तेलुगु से 18 लाख रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी थी। वहीं तमिल से 21 लाख रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी थी अपने 11वें दिन, जो कि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से यह फिल्म 11वें दिन 8 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी थी, जिससे कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म को लेकर नॉर्थ में भी धीरे धीरे क्रेज खत्म हो रहा है। वहीं दोस्तों इस फिल्म का कल 12वां दिन था और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी कोई भी उछाल देखने को नहीं मिला दोस्तों, और यह फिल्म दोस्तों इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 4 करोड़ 20 लाख रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी थी कल, जो कि वर्ल्ड वाइड मार्केट से यह फिल्म 7 करोड़ के आसपास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी थी। आपको दोस्तों बताते चले इस फिल्म का आज 13वां दिन चल रहा है और इस फिल्म को लेकर दोस्तों कल की तरह ही ऑडियंस के बीच क्रेज बना हुआ है, जो कि दोस्तों यह फिल्म एडवांस से ऑल ओवर इंडिया से 1 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर चुकी है। वहीं दोस्तों शो भी उस लेवल का हाउसफुल नहीं जा रहे हैं, एवरेज जा रहे हैं। अगर दोस्तों ऑक्युपेंसी की बात करें तो मुंबई की बॉक्स ऑफिस दोस्तों 60% ऑक्युपेंसी पर खुला है, जबकि पुणे की बॉक्स ऑफिस 45% ऑक्युपेंसी पर खुला है, जबकि दिल्ली की 50% ऑक्युपेंसी पर खुला है, जिससे कि लग रहा है कि ऑल ओवर इंडिया से यह फिल्म फिर से आज 4 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन कर सकती है अपने 13वें दिन। फाइनली दोस्तों आप ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हैं कि नहीं, आप हमें अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।